दर्शक मित्रों, आप देख रहे हो जय टीवी भारत, मैं हूँ दिव्या। ईडीआईआई के माध्यम से कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए पारंपरिक शिल्प का पुनरुद्धार, हस्तशिल्प फैशन शो इसका प्रमाण है। गुजरात सरकार के कुटीर और ग्रामीण उद्योग आयुक्तालय द्वारा एक ज्ञान भागीदार के रूप में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के सहयोग से अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल 24 दिनांक के हिस्से के रूप में की गई एक पहल में 26 अक्टूबर 2024 को हस्तशिल्प सेतु योजना के तत्वावधान में एक शानदार फैशन शो के साथ साथ हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। रिवर फ्रंट अहमदाबाद के इवेंट सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में वर्तमान फैशन के रचनात्मक लेंस के माध्यम से पारंपरिक भारतीय शिल्प की समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रदर्शन किया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना हस्तशिल्प सेतु योजना का उद्देश्य हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को एक नया जीवन देकर पुनर्जीवित करना है। यह पहल सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और कारीगरों की आजीविका का समर्थन करने में पारंपरिक शिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। गुजरात के सभी 33 जिलों को कवर करने वाली इस परियोजना में 35,000 से अधिक कारीगर लगे हुए हैं, जिनमें से 24,004 कारीगरों को उन्नत कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ विपणन सहायता भी प्राप्त हुई है। आज के ऑकेजन से पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हस्तकला सेतु गुजरात सरकार के कुटीर उद्योग विभाग की एक अनूठी परियोजना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुजरात की जो हस्तकला की विरासत है बड़ी समृद्ध है और इसमें एक से एक जो कलाकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके पास बड़ी अनूठी प्रतिभा है और उन हस्तकलाओं के जो भी ये आर्टिजन्स हैं उनके साथ जुड़ करके, उनके साथ काम करके, उनको नए डिज़ाइन, नए कौशल, नई तकनीक दे करके प्रोडक्शन के साथ साथ किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रदेश में, देश में और देश के बाहर अपनी पहुंच बना सकें, इसके लिए ये हस्तकला सेतु परियोजना गुजरात सरकार ने